हाय गाइस, आई एम हियर विद 300 MCQs ऑफ इंडियन राइटिंग्स इन इंग्लिश. सो डियर फ्रेंड्स, दिस इज़ द पार्ट 6 फ्रॉम 1 to क्वेश्चन नंबर 102. आई हैव कंप्लीटेड इन पार्ट 1, 2, 3, 4 and 5. दिस इज़ द 6th पार्ट ऑफ द वीडियो. डियर फ्रेंड्स, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विच वर आस्क्ड इन मैनी कम्पिटिटिव एग्जाम. कई कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं ये, जिनकी प्रैक्टिस करके आप भी किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम को आसानी से पास कर सकते हैं. तो शुरू करते हैं आज के सेंटेंस. डियर फ्रेंड्स, यदि आपको इस प्रकार के क्वेश्चन यूजफुल लगें तो उस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, और यदि आप चैनल के लिए नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, ताकि इस प्रकार के वीडियो जब भी अपलोड हों तो उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके. मनोहर मालगांवकर वर्कड एज एन ऑफिसर इन द ऑप्शन ए पुलिस, ऑप्शन बी एयरफोर्स, ऑप्शन सी नेवी एंड ऑप्शन डी आर्मी. विच वन इज द करेक्ट आंसर? द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज आर्मी. द आर्मी, यस, विच वन इज द करेक्ट आंसर? आर्मी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन है 104. यस, क्वेश्चन नंबर 104 है. यस, क्वेश्चन नंबर 104 जो है वो कहते हैं, लिखा हुआ है 104, पी पी मेहता कोट्स, हिज नॉवेल्स आर कंसर्न्ड ऑन ए लार्ज स्केल, दे आर फुल ऑफ एक्शन, दे आर एक्साइटिंग स्टोरीज, दे आर आल्सो वैल्यूएबल डॉक्यूमेंट्स, हु इज़ बीइंग रिफर्ड टू हियर. ऑप्शन ए खुशवंत सिंह, ऑप्शन बी मनोहर मलगांवकर, ऑप्शन सी आर के नारायण, ऑप्शन डी राजा राव. द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी मनोहर मलगांवकर इज द करेक्ट आंसर. यस, नाउ क्वेश्चन नंबर 105. क्वेश्चन नंबर 105 है जो कहता है कि विच नॉवेल ऑफ मनोहर मलगांवकर डील विथ द इंटर रिलेटेड थीम्स ऑफ वायोलेंस एंड नॉन वायोलेंस एंड विथ द प्री इंडिपेंडेंस फेज ऑफ इंडियन हिस्ट्री. ऑप्शन ए बैंड इन द गंगेज, ऑप्शन बी द डेविल्स विंड, ऑप्शन सी अ टोस्ट ऑफ वार्म वाइन एंड ऑप्शन डी डिस्टेंट ड्रम. द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए बैंड इन द गंगेज. क्वेश्चन नंबर 106, आइडेंटिफाई द नॉवेल ऑफ मालगांवकर विच नरेट्स द स्टोरी ऑफ द सो कॉल्ड इंडियन म्यूटनी एंड नाना साहेब टोल्ड फ्रॉम द इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू. ऑप्शन ए डेड एंड लिविंग सिटीज, ऑप्शन बी शालीमार, ऑप्शन सी द डेविल्स विंड एंड ऑप्शन डी द प्रिंसेस. द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी द डेविल्स विंड इज द करेक्ट आंसर. नाउ क्वेश्चन नंबर 107, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वर्क ऑफ मनोहर मलगांवकर. ऑप्शन ए द रोज बर्ड, ऑप्शन बी स्पाई इन अंबर, ऑप्शन सी कनौजी एंग्रे एंड ऑप्शन डी डेड एंड लिविंग सिटीज. सो विच वन इज द करेक्ट आंसर? ऑप्शन ए द रोज वर्ल्ड इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 108, विच नॉवेल ऑफ कमला मार्कंडेय डिपिक्ट्स द मिजरेबल रूरल लाइफ इन इंडिया. विच नॉवेल ऑफ कमला मार्कंडेय डिपिक्ट द मिजरेबल रूरल लाइफ इन इंडिया? ऑप्शन ए द कॉफर डामा, ऑप्शन बी A handful of rice, option C possessions, option D nectar in a sieve. Option D is the correct answer, nectar in a sieve. Question number 109, identify the novel by Kamala Markandeya which describe how the Indian independence affected a princely native state. ऑप्शन ए द नोवेयर मैन, ऑप्शन बी द गोल्डन हनीकॉम, ऑप्शन सी इनर फरी, ऑप्शन डी पोसेसन. द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी द गोल्डन हनीकॉम.
द गोल्डन हनीकॉम्ब इज द करेक्ट आंसर. यस. नाउ क्वेश्चन नंबर 110. रिकी अ लोकल फिशर बॉय एंड टुली अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ मल्टीनेशनल कंपनी अपीयर इन ए नॉवेल ऑफ कमला मार्कंडेय विच नॉवेल. मार्कंडेय विच नॉवेल. ऑप्शन ए प्लेजर सिटी, ऑप्शन बी टू वर्जिन्स, ऑप्शन सी अ हैंडफुल ऑफ राइस एंड आफ्टर डी ऑप्शन डी नेक्टर इन ए सीव. द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए प्लेजर सिटी. ऑप्शन ए प्लेजर सिटी इज द करेक्ट आंसर. नाउ क्वेश्चन नंबर 111. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वर्क ऑफ कमला मार्कंडेय. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वर्क ऑफ कमला मार्कंडेय. ऑप्शन ए साइलेंस ऑफ डिजायर, ऑप्शन बी द कॉफर डैम्स, ऑप्शन सी द फॉल्स स्टार्ट एंड ऑप्शन डी सम ऑफ इनर फरी. द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी द फॉल्स स्टार्ट. द फॉल्स स्टार्ट इज द करेक्ट ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर 112. जयंत महापात्रा इज अ फेमस. जयंत महापात्रा इज अ फेमस. ऑप्शन ए क्रिटिक, ऑप्शन बी पोएट, ऑप्शन सी नॉवलिस्ट एंड ऑप्शन डी प्रोज राइटर. द करेक्ट आंसर इज जयंत महापात्रा इज ए फेमस पोएट. ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. नाउ क्वेश्चन नंबर 113. जयंत महापात्रा इज बेसिकली अ मैन ऑफ. ऑप्शन ए फिजिक्स, ऑप्शन बी केमिस्ट्री, ऑप्शन सी साइकोलॉजी एंड ऑप्शन डी इंग्लिश. द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए फिजिक्स. फिजिक्स इज द करेक्ट आंसर. नाउ क्वेश्चन नंबर 114. जयंत महापात्रा वाज ऑनर्ड बाय द इंडियन गवर्नमेंट विथ द. ऑप्शन ए पद्मश्री, ऑप्शन बी पद्म भूषण, ऑप्शन सी साहित्य अकादमी अवार्ड, ऑप्शन डी बोथ ए एंड सी. सो द ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. बोथ ए एंड सी यानी कि पद्मश्री एंड साहित्य अकादमी अवार्ड. जयंत महापात्रे वाज ऑनर्ड बाय द इंडियन गवर्नमेंट विथ द पद्मश्री ए एंड साहित्य अकादमी अवार्ड. ऑप्शन सी. सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 115. हु रोट बर्डन ऑफ बेब एंड फ्रूट, अ रेन ऑफ राइट्स एंड अ फादर्स हाउस. ऑप्शन ए डी के केलकर, ऑप्शन बी जयंत महापात्रा, ऑप्शन सी वी के गोकाक, ऑप्शन डी श्री अरविंदो. सो विच वन इज द करेक्ट आंसर. द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी जयंत महापात्रा. ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 116. आई सेट अप हाउस वाइल सी वेटेड इन अनदर सिटी. द डे ऑफ अवर मैरिज वॉज स्टिल फार व्हेन वी सॉ द रूम्स. अगेन लिसन. आई सेट अप हाउस वाइल सी वेटेड इन अनदर सिटी. द डे ऑफ अवर मैरिज वॉज स्टिल फार व्हेन वी सॉ द रूम्स. दीज फोर ऑप्शंस आर हियर अगेन. Which one is the correct answer? Yes, for the first time she said these are worse than both rooms. Identify the poem of Arvind Krishna Malhotra which these lines have been taken. Option A the sale. Option B the continuities. Option C letter to friend and option D An early biographer. So which one is the correct answer? The correct answer of this question is option C. option C जो है इसका correct answer है.
ऑप्शन सी द लेटर टू अ फ्रेंड, द लेटर टू अ फ्रेंड ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 117, हु रोड भारत माता अ प्रेयर 1966, वुड कट्स ऑन पेपर 1967, वुड कट्स 1967, वुड कट्स ऑन पेपर 1967। ऑप्शन ए हरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय, वेद प्रकाश मेहता, ऑप्शन सी वी के गोकाक एंड ऑप्शन डी अरविंद कृष्ण मल्होत्रा। सो ऑप्शन डी अरविंद कृष्ण मल्होत्रा इज द करेक्ट आंसर। यस, नाउ क्वेश्चन नंबर 118, वेद प्रकाश मेहता दो एन इंडियन बाई इज ए बाई बर्थ इज ए, वेद प्रकाश मेहता दो एन इंडियन बाई बर्थ इज ए, ऑप्शन ए जर्मन सिटीजन, ऑप्शन बी यूएस सिटीजन, ऑप्शन सी ब्रिटिश सिटीजन एंड ऑप्शन डी फ्रेंच सिटीजन। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी यूएस सिटीजन, यूएस सिटीजन। क्वेश्चन नंबर 119 है, वेद प्रकाश मेहता इज ए रेगुलर कंट्रीब्यूटर टू द, वेद प्रकाश मेहता इज ए रेगुलर कंट्रीब्यूटर टू द, ऑप्शन ए द अमेरिकन रिव्यू, ऑप्शन बी द न्यू यॉर्कर, ऑप्शन सी द शिकागो क्रॉनिकल, ऑप्शन डी द क्रिटिक, द क्रिटिक। सो विच वन इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी द न्यू यॉर्कर इज द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 120, Which of the following is not a work of वेद प्रकाश मेहता, ऑप्शन ए डेज इन न्यूयॉर्क, ऑप्शन बी द डैडी जी, ऑप्शन सी मामा जी एंड ऑप्शन डी फ्लाई एंड द फ्लाई। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ऑप्शन ए डेज इन न्यूयॉर्क, डेज इन न्यूयॉर्क। क्वेश्चन नंबर 121, वेद प्रकाश मेहता वाज एजुकेटेड बेलोएल कॉलेज ऑक्सफोर्ड एट, ऑप्शन ए कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, ऑप्शन बी लंदन यूनिवर्सिटी, ऑप्शन सी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी एंड ऑप्शन डी प्रिंसटन यूनिवर्सिटी। द करेक्ट आंसर ऑफ दिस वन इज हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 122, चमन नहल रिसीव्ड अ ब्रिटिश काउंसिल स्कॉलरशिप इन ह्यूमैनिटीज एंड बेंड टू इंग्लैंड फॉर हायर स्टडीज एट द यूनिवर्सिटी ऑफ, ऑप्शन ए नॉटिंगम, ऑप्शन बी कैम्ब्रिज, ऑप्शन सी यॉर्कशायर, ऑप्शन डी डर्बीशायर। द करेक्ट आंसर इज नॉटिंगम, द करेक्ट आंसर इज नॉटिंगम, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, नॉटिंगम ए ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 123, चमन नहल वर्कड एज ए प्रोफेसर इन इंग्लिश द यूनिवर्सिटी ऑफ, ऑप्शन ए लखनऊ, ऑप्शन बी मैसूर, ऑप्शन सी मद्रास एंड ऑप्शन डी दिल्ली। सो ऑप्शन डी दिल्ली इज द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 124, चमन नहल वन द साहित्य अकाडमी अवार्ड 1977 फॉर हिज फेमस वर्क, ऑप्शन ए माई ट्रू फेसेस, ऑप्शन बी आज़ादी, ऑप्शन सी इनटू अदर डॉन एंड ऑप्शन डी द क्राउन एंड द लॉयन क्लॉथ। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी आज़ादी, आज़ादी इज द करेक्ट आंसर, आज़ादी। क्वेश्चन नंबर 125, आर्थर साइमंस रोट अबाउट द राइटर ऑल द लाइफ ऑफ द टिनी फिगर्स सीम्ड टू कंसंट्रेट इट्सेल्फ इन द आइज, दे टर्न्ड टुवर्ड्स ब्यूटी एज द सनफ्लावर टर्न्स टुवर्ड्स द सन, हु इज रिफर्ड टू हियर,
ऑप्शन ए टारुदत्त, ऑप्शन बी अरुदत्त, ऑप्शन सी रविन्द्रनाथ टैगोर एंड ऑप्शन डी सरोजनी नायडू। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू इज द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 126। लाइटली ओ लाइटली बी बियर हर अलोंग सी लाइक ए फ्लावर इन द माइंड ऑफ हर सॉन्ग। दीज लाइन्स आर फ्रॉम सरोजनी नायडूज। ऑप्शन ए द क्वीन राइवल, ऑप्शन बी पर्दा नशी, ऑप्शन सी पैलेंक्विन बियरर्स, ऑप्शन डी टू माई फेरी फैंसीज। द करेक्ट आंसर इज पैलेंक्विन बियरर्स। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। सो डियर फ्रेंड्स, दीज आर सम क्वेश्चंस विच विल बी वेरी हेल्पफुल टू क्रॉस टू पास एनी कम्पिटिटिव एग्जाम। इसी प्रकार के सेंटेंसेस के लिए प्लीज लाइक, इसी प्रकार के क्वेश्चंस के लिए प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब पंकज इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश। थैंक यू फॉर वॉचिंग।